उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के थाना दिव्यापुर व कंचौसी चौकी क्षेत्र के गांव ढुकियापुर निवासी फूल सिंह पुत्र सुबेदार ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शनिवार को सुबह सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध किए जाने का उसके पुत्र अभिषेक द्वारा विरोध करने पर गांव के ही राम कुमार रवि प्रेमचंद हरिश्चंद राम नारायण लक्ष्मण आदि ने लोहे की राट व लाठी दलों से बुरी तरह घायल कर दिया, जिसमें बीच बचाव करने पहुंचे ग्राम निवासी शिव नारायण व अनिता देवी को भी उक्त दबंगों ने पूरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया और अनिता के एक कान का 12 बार चंचीर भी छीने। सूचना पर पहुंची डायल 112 बार चौकी पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस 108 की मदद से दिव्यापुर स्वास्थ्य केंद्र दिलाया था, जहाँ से घायलों को सौशैया अस्पताल चिचौली रेफर किया गया था। आज सुबह घायल अभिषेक की हालत बिगड़ने पर परिजनों से दोबारा की शौशैया अस्पताल ले गए, जहां घायल की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे सैफई रेफर कर दिया। इस संबंध में थाना अधीक्षक दिव्यापुर शशि भूषण मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से विपिन गुप्ता की खास रिपोर्ट।